तंत्र और मंत्र में क्या अंतर है? तंत्र और मंत्र, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मंत्र तो जैसे जो इष्ट है हमारा, जो हमारा आराध्य है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उसमें चाहे राम है, चाहे शिव है, चाहे दुर्गा है, या लक्ष्मी है, हनुमान है, कोई भी हमारा देवी देवता हो, तो उसका जो बीज है, उसका जो बीज मंत्र है, जैसे विष्णु की आराधना या राम की आराधना कर रहे हैं, तो राम की आराधना में राम का बीज हो गया रांग। जैसे राम की आराधना आप कर रहे हैं तो रांग रामाय नमः, ये राम का बीज हो गया रांग रामाय नमः, तो ये राम का मंत्र हो गया, तो ये मंत्र हो गया। अब तंत्र, तंत्र मतलब कई चीजों को इकट्ठा करके एक करना, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करना, उनको एकत्रित करना, एकत्रित करके फिर उसका एक साधन बनाना, वो तंत्र हो गया। और तंत्र जैसे पंचांग हो गया, पंचांग मतलब कोई भी वृक्ष हो गया, वृक्ष की जड़ हो गई, उसकी छाल हो गई, उसका तना हो गया, उसका फल हो गया, उसका फूल हो गया, जब ये पांच चीज इकट्ठी करेंगे तो वो तंत्र हो गया। एक सादा भाषा में समझाने के लिए वो तंत्र सबसे उत्तम है। आजकल जो कर रहे हैं लोग ये गलत है, हालांकि ऐसा आप तो है ही नहीं, इतने बड़े बड़े लोग हैं ही नहीं है, लेकिन तंत्र सबसे अच्छी चीज है, और तंत्र डरने का विषय नहीं है, तंत्र एक विद्या है, और विद्या वही अच्छी है जिससे किसी का भला हो, किसी का कल्याण हो। और जो लोग कर रहे हैं ना ये छोटी छोटी चीजें लेके और लोगों का आहित कर रहे हैं, और जो गलत मार्ग पे चल के किसी का आहित करता है, निश्चित रूप से वो पतन का कारण है। आज आप अपनी विद्या से किसी का बुरा तो कर देंगे, लेकिन कल आपके परिवार में कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होगा, कुछ ना कुछ अहित जरूर होगा, आप के घर में खुद तकलीफ आएगी, खुद लोग परेशान होंगे। आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे, आप यदि अच्छे मार्ग से चलेंगे तो कभी आपका अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा मार्ग ईश्वर ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया, सब शास्त्रों में है, तंत्र भी शास्त्रों में है, तंत्र कहीं बाहर से कोई विद्या नहीं है, हमारे वेदों में तंत्र, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में तंत्र भरा हुआ है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे जानेंगे तब तो आप उस विषय को समझेंगे, उस क्रिया को आप समझ पाएंगे। आप को जब तक उस विषय का ज्ञान नहीं है, आप उसको हवा मानेंगे, हवाई फायर करेंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा नहीं है। तंत्र बहुत सात्विक है और ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुगम और सरल साधन है।